और राइट क्लास, तो आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने जो है वो चैप्टर 3 को एंड अप किया था, दैट वाज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उसके 3 लेक्चर्स हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। तो 3 लेक्चर्स में हमारा वो कंप्लीट हो गया था, ठीक है। और आज हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 4। तो ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करता है, दैट्स एन ईजी चैप्टर एज वेल, और एक बड़ा डिफरेंट किस्म का चैप्टर है जिसमें आप समझ लें कि 0% जो है वो रट्टा है या 0% रट्टाफिकेशन है। इसमें कुछ भी आपको याद नहीं करना है, ये जस्ट कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। और इस चैप्टर का नाम हमारे पास है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो नेम से ही आपको पता लग गया होगा कि यार इसके अंदर कुछ याद करने की खास चीज़ नहीं होगी। इससे पहले हमने चैप्टर 2 के अंदर जो है वो नोमेनक्लेचर किया है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस जो थे, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के हमने नेमिंग किए हैं। तो उसमें आपको पता तो याद करने की कोई चीज़ थी नहीं, वो बस रूल्स आपको बताने चाहिए थे कि पहले कैटाइन का नाम आएगा, फिर लिगेंड का नाम आएगा, फिर मेटल का नाम आएगा, फिर एनायन का नाम आएगा। तो ये हमारे पास रूल्स होते हैं, वो रूल्स मैंने आपको लिखा दिए थे उर्दू में, तो उसको देखते हुए हम लिख लेते हैं। इस बार मैंने रूल्स को इंग्लिश में लिख दिया है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। रूल्स नहीं लिखने के लिए आते हैं, हमें स्ट्रक्चर के नेम्स लिखने होते हैं, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर। तो हर साल आएगा, लाजमी मस्ट कमिंग क्वेश्चन यहाँ से बनेगा नोमेनक्लेचर का। पुरानी बुक में भी था, लेकिन पुरानी बुक में चैप्टर अलग नहीं किया गया था, पुरानी ओल्ड बुक में ये था कि हर चैप्टर के अंदर नोमेनक्लेचर डाल दिया जाता था उस कंपाउंड के रिलेटेड। इस बार न्यू बुक के अंदर उन्होंने क्या किया है कि तमाम नेमिंग को ना एक अलग से चैप्टर बना दिए, तो नेमिंग के लिहाज से ये चैप्टर 4 हमारा कहला रहा है, वरना इस तरह का कोई चैप्टर पहले नहीं था। टॉपिक्स होते हैं इसके, बट जो है वो हर चैप्टर के अंदर थोड़ा थोड़ा सा डाला हुआ था, अभी अलग से उठा के पूरा अलग कर दिया उसको, ठीक है। तो एक तरह से फ़ायदा हो गया, चूँकि बहुत बड़ा पोर्शन नहीं होता नेमिंग करने का। तो ये चैप्टर 4 आपके यहाँ से इस तरह से कुछ लेक्चर्स में ये भी जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसका जो अगला चैप्टर आएगा चैप्टर 5, दैट इज़ हाइड्रोकार्बन्स, तो वो एक बड़ा चैप्टर है, इट विल टेक योर टाइम, सबसे लंबा टाइम वही लेगा पूरी केमिस्ट्री में सेकेंड ईयर की। तो 5वां चैप्टर है, तो चैप्टर 4 हमारे पास है, दिस इज नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर का मतलब आप जानते हैं, नेमिंग को कहा जाता है नोमेनक्लेचर, नाम रखना, जिस तरह से बायोलॉजी के अंदर मैंने आपको बताया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर हमारे पास होती है, जिसमें हम जो है वो किसी भी स्पीशीज़ का नाम देते हैं, उसके जीनस और स्पीशी दो चीज़ें लिख रहे होते हैं। लाइक होमो सेपियंस जब हम लिखते हैं, इस तरह से फ्रॉग को लिखते हैं राना टिग्रीना, है ना, इस तरह से बॉटनी के अंदर रोज को रोज़ा इंडिका लिखते हैं। तो ये सारे हमारे पास जो है वो नेम्स होते हैं बायोलॉजी के अंदर, टैक्सोनॉमी जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। अब जाहिर सी बात है कि बायोलॉजी के अंदर, जोलॉजी बॉटनी के अंदर हम एनिमल्स और प्लांट्स को स्टडी करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर एनिमल्स और प्लांट्स की स्टडी नहीं होती है, केमिस्ट्री के अंदर केमिकल्स की स्टडी होती है। तो केमिकल्स का नेम लिखना इसमें हम सीखते हैं, किसी स्पीशीज़ का नाम लिखना नहीं सीखते, तो वो केमिकल्स के नेम के नोमेनक्लेचर ही हमारे पास कहलाती है। एक हमने इससे पहले सीख लिया जो आसान थी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, चूँकि कॉम्प्लेक्सेस गिनती के ही होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो जितने होते हैं उनके नेम लिखने का तरीके देख लिए। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद लाखों में है, देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नोन इन दिस वर्ल्ड, दैट्स वाई ये थोड़ा डिटेल टॉपिक होता है कि इसके नेम्स किस तरह लिखे जाते हैं। तो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इस चैप्टर को हम कह सकते हैं, या फिर नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, द बोथ आर सेम थिंग्स, ठीक है। अच्छा, नेम ऑफ कंपाउंड, जो कंपाउंड का नाम लिखा जाता है या नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो वो दो तरह से लिखे जाते हैं इस चैप्टर में, दो तरह से नाम लिखना सिखा जाएगा। एक हमारे पास कहलाता है कॉमन नेम और एक कहलाता है IUPAC नेम। कॉमन नेम जो है ना वो ओल्ड पैटर्न है, ओल्ड मेथड है नेम्स को लिखने का, इसमें कोई सेट रूल्स नहीं होता है ना, ये बिना विदाउट रूल्स चल रहा होता है देखा जाए तो, मतलब रूल्स होते हैं लेकिन कॉमन नाउंस की मदद से हम बहुत सारे कंपाउंड के नेम नहीं लिख सकते, कुछ कंपाउंड के नाम लिख सकते हैं, उसके बाद कॉमन नाउन कॉमन नेम्स जो है वो फेल हो जाते हैं। शुरू ज़माने में, पुराने ज़माने में, ओल्ड डेज में जो है वो कॉमन नेम को इस्तेमाल किया जाता था, बट उस वक्त क्या था कि कम कंपाउंड्स जो है वो डिस्कवर हुए हुए थे, मतलब 1000-1200 कंपाउंड थे तो इतना मसला नहीं था, लेकिन जब इनकी तादाद लाखों में पहुँच गई तो इसके लिए हमारे पास हमें ज़रूरत पड़ी किसी ऐसे नेमिंग पैटर्न की जिसकी मदद से हम लाखों कंपाउंड्स का नाम लिख सकें बिना रट्टा मारे, बिना मेमोराइज़ किए। तो वो फिर हमारे पास कहलाया, दिस इज़ IUPAC नेम्स। तो ये न्यू पैटर्न है IUPAC नेम्स, जो जैसे कि मैंने आपको बताया 1950s में जो है वो क्या हुआ था कि उसको स्टार्ट किया गया था, IUPAC ने उसका स्टार्ट किया था। IUPAC किसे कहते हैं, दिस इज़ अ शॉर्ट फॉर्म, दिस इज़ एब्रीविएशन ऑफ व्हाट, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC, तो आई इंटरनेशनल हो गया, यू से यूनियन हो गया, पी से प्योर हो गया, ए से अप्लाइड हो गया, सी से केमिस्ट्री हो गई। तो 1958 में, 1958 में IUPAC की जो है हमारे पास फॉर्मेशन हुई, और इसमें क्या हुआ कि रूल्स बनाए गए कंपाउंड्स के नेम्स को लिखने के, जब भी कंपाउंड का नाम लिखा जाएगा तो किस तरह से लिखा जाएगा,
और वो एक एक कह सकते हो कि एक मोटो उनका था कि एवरी कंपाउंड शुड हैव यूनिक नेम, हर कंपाउंड के एक डिफरेंट नेम होना चाहिए, कंपाउंड के नेम्स मिक्सअप नहीं होने चाहिए। ये इनका मेन मोटो था, ये इनका मेन जो है कह सकते हो ना सेंट्रल आइडिया था IUPAC का। और ये कि दुनिया के हर कंपाउंड का नाम एक इंसान को ख़ुद लिखना आना चाहिए, उसको रेफरेंस बुक या किताब उठाने की ज़रूरत ना पड़े, तो ऐसा तरीका हम बना लें कि वो स्ट्रक्चर देकर नाम को पहचान जाए या नाम को चार पाँच मिनट की कोशिश से बना ले, मुश्किल से मुश्किल नाम को भी। तो ये था IUPAC का मेन फंडामेंटल जिस पर ये बनी, और इसको बाद में अपडेट भी किया जाता रहा, रफ्ता रफ्ता इसको अपडेट किया जाता रहा, यहाँ तक कि इस जो लेटेस्ट अपडेट का आया वो 2013 में आया, 2013 में आया, 2013 में जो है उसका हमारे पास लेटेस्ट अपडेट जिसको हम कह सकते हैं ना वो हमारे पास आया है, ठीक है। तो और ऑर्गेनिक के भी इस तरह से अपडेट होते हैं, इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर के भी रूल्स इसी तरह से अपडेट होते हैं सेम पैटर्न पे। तो पहले रूल्स कुछ और होते थे, बाद में रूल्स कुछ और होते थे, सही है। तो 2013 में 2013 में क्या किया गया, इन रूल्स को अपडेट किया गया, तो उसके बाद वाले रूल्स ही जो है वो न्यू बुक के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, ओल्ड बुक के अंदर ये पैटर्न नहीं था, वहाँ पर जो है वो 2013 से पहले के रूल्स फॉलो किए जाते थे, जो गूगल से मैच नहीं करते थे या किसी और लेटेस्ट बुक से मैच नहीं करते थे हमारी पुरानी बुक में, चूँकि वो ओल्ड बुक ओल्ड किताब थी, 2013 से बहुत पहले छपी थी कभी वो, और उसमें चेंजिंग नहीं की गई थी। लेकिन न्यू बुक जो आई है वो इसी साल छपी है, उसके अंदर जाहिर सी बात है कि न्यू रूल्स लिखे गए जो कि 2013 के बाद जो इम्प्लीमेंट हुए, ठीक है। तो दो तरह की बुक्स लॉन्च होती हैं इसके अंदर अगर अपडेट चाहते हो, एक हमारे पास रेड बुक कहलाती है और एक हमारे पास ब्लू बुक कहलाती है। जो ब्लू बुक होती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की होती है, उसमें नोमेनक्लेचर होती है, रूल्स होते हैं सारे, और एक रेड बुक होती है जो कि इनऑर्गेनिक के लिए होती है। तो दो अलग अलग बुक IUPAC वाले ना पब्लिश करवाते हैं, तो वो जो साइंटिस्ट होते हैं रिसर्चर होते हैं उन किताबों को ख़रीदते हैं कि क्या क्या रूल्स के अंदर चेंजिंग आई है क्या नहीं आई है। तो आपको तो वो बुक नहीं परचेज़ करने की ज़रूरत है, आपको तो जो लिखा हुआ है उसमें समराइज़ करके आपको वही पढ़ना है, लेकिन एग्जैक्ट बिल्कुल सेट रूल्स होते हैं जो पूरे मेंशन होते हैं उसके अंदर, बट वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा इन डिटेल और एडवांस होते हैं जो IUPAC खुद लॉन्च करती है, और उसको समराइज़ करके यहाँ पर जो है वो हमारे पास लिख दिया जाता है ताकि एक बच्चा नंबर गेट करने के लिए सेकेंड ईयर में बस उसको पढ़ ले। इस तरह से वन इन डिटेल तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सही है। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई, ओके। अगली बात ये थी ना कि एक चीज़ जो है ना वो लास्ट टाइम ऐसा था कि जब इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर जब हम करते थे ना डिस्कस, तो जब इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर को डिस्कस हमने किया था चैप्टर 2 के अंदर, तो वहाँ एक बड़ा मसला रहता था, लास्ट ईयर भी वो मसला काफ़ी ज़्यादा आया था, उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, दो रूल्स हैं, एक ओल्ड रूल्स है IUPAC के, न्यू रूल्स और ओल्ड रूल्स हैं, ठीक है। तो एक IUPAC का जो रूल था IUPAC का वो ओल्ड था बिफोर 2013, और एक IUPAC का न्यू रूल है, ठीक है। इनऑर्गेनिक के बाद जो आपने पढ़ लिया जिसका टेस्ट आपने दे दिया उसके वाले से बात कर रहा हूँ। तो जब हमने इस ओल्ड रूल के लिहाज से जब CL का नाम लिखा जा रहा था ना तो उसको लिखा जाता था क्लोरो, और जो BR का नाम लिखा जा रहा था उसको लिखा जाता था ब्रोमो, इस तरह से। लेकिन न्यू रूल्स के लिहाज से CL का नाम लिखा जाता है क्लोराइडो, और BR का नाम क्या लिखा जाता है भाई, ब्रोमाइडो। ये न्यू रूल्स हैं। अच्छा, हम लोग यही लिखते हैं क्लोरो ब्रोमो जो मैंने आपको सिखाया है। इसी तरह से, तो ये चैप्टर 2 की बात मैं कर रहा हूँ, इसी तरह से अगर दो लिगेंड्स अगर एक साथ आ जाते थे, जैसे कि अगर मिसाल के तौर पर CL आ गया और H2O आ गया, तो हम H2O एक्वा होता है और CL क्लोरो होता है, तो हम पहले जो नाम लिखते थे हम ओल्ड रूल क्या, अच्छा न्यू रूल के लिहाज से क्या होता था, इस सूरत में पहले एक्वा आता था फिर क्लोरो आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते थे। जबकि ओल्ड रूल के लिहाज से क्या होता हमारे पास है कि नेगेटिव लिगेंड का नाम पहले लिखा जाता था, उसके बाद पॉजिटिव लिगेंड का नाम पहले, तो पहले यहाँ पर क्लोरो आता था फिर यहाँ पर एक्वा आता था। तो देखो एक सेट फ़र्क एक है रूल्स के अंदर आयु की, है ना। अच्छा, मैं जो क्या करता था कि मैं जो है वो ये करता था लास्ट ईयर, चूँकि पुरानी बुक थी, तो मैंने बच्चों को ये सिखाया कि भाई आप इसको तो क्लोरो ब्रोमो लिखें और यहाँ पर इसमें पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से नेम लिखें, अगर ये बात गलत थी ना। अच्छा, बुक में क्या चीज़ थी, बुक में दोनों चीज़ें इसी तरह मेंशन थी कि IUPAC रूल इस तरह से क्लोरो ब्रोमो लिखा जाएगा CLBR को और नेगेटिव लिगेंड का नाम पहले आएगा। अच्छा, और मैंने क्या रूल बताया था बच्चों को कि भाई आप जो है वो एक्वा क्लोरो मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिगेंड में फॉलो करें, उसका नाम क्लोरो ब्रोमो लिखें। तो ऐसा होता है, मतलब ओके था, चीज़ थी, लेकिन इसमें फिर इन द एंड फिर ऐसा हुआ ना कि मसला आ गया, चूँकि मैं एक ओल्ड रूल फॉलो कर रहा था और एक न्यू रूल फॉलो कर रहा था, मसला ये था। तो उसमें आदम जी साइंस कॉलेज से को बिलोंग करते हैं, आदम जी साइंस कॉलेज से आप बिलोंग करते हैं, आप भी हैं,
तो वहाँ केमिस्ट्री के सर होते हैं सर, सर प्रोफेसर समर अब्बास। ओके हाँ, तो एंड ही इज़ अ ग्रेट टीचर ऑफ केमिस्ट्री इन कराची एज वेल। तो उन्होंने एक वीडियो बनाकर इस चीज़ को मेरी तस्दीक की थी कि जो है, उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया था, लेकिन मुझे पता था कि वो मेरे बारे में कह रहे थे कि केमिस्ट्री कुछ ही लोगों की फॉलो कराची में लोग करते हैं। तो अब उसमें क्या था कि चूँकि वो इसी रूल को कह रहे थे कि सर अगर आप ये चेंज कर रहे हैं ना, तो आप या तो दोनों ओल्ड यूज़ कर लें या दोनों न्यू रूल यूज़ कर लें। अगर आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना ही है तो फिर आप यहाँ क्लोराइडो ब्रोमाइडो भी बोलें उसको, लेकिन ये कहना गलत है कि आपने इसको यहाँ से यूज़ किया ओल्ड और यहाँ से न्यू यूज़ कर लिया। फिर मैंने उसको तस्दीक भी कर दिया था, मैंने बोला था बुक के पैटर्न से, पेपर से 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाकर जो है वो अपलोड किया था कि आप लोग नेगेटिव लिगेंड का नाम पहले लिखें, न्यूट्रल का बाद में लिखें, और जो बुक का ओल्ड रूल है वही फॉलो करें। मसला पता है क्या है, मसला इस साल दोबारा आ गया कि जो चीज़ें मैंने लास्ट टाइम गलत पढ़ाई थी ना, वो चीज़ न्यू बुक के अंदर मौजूद है आज भी, कि उन्होंने क्लोरो ब्रोमो लिखा है इसको और अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी फॉलो कर लिया, जबकि इस चीज़ से मैंने रुजू कर लिया था कि ऐसा नहीं है। मतलब एंड द एंड मुझे पता लगा था अगर यहाँ पर आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है ना, तो यहाँ पर आपको क्लोराइडो ब्रोमाइडो बोलना पड़ेगा उसको, क्लोरो ब्रोमो नहीं बोलना, लेकिन हमारे न्यू बुक में यही बात है। तो ये गलती है देखा जाए तो, बट बुक को फॉलो करते हैं हमें, ठीक है। ऐसे में बहुत बारीकी है इस बात के अंदर जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। तो ऐसी इस चीज़ को तो हम तो वही यूज़ करेंगे जो मैंने आपको बता दिया, बट दैट्स रॉन्ग एज वेल एज़ पर द इंटरनेशनल रूल्स, क्योंकि आप या तो दोनों ओल्ड इस्तेमाल करें या दोनों न्यू इस्तेमाल करें, एक ओल्ड और एक न्यू यूज़ नहीं कर सकते रूल को, ठीक है। तो ये 2013 में जो अपडेट हुआ उसकी बात की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक की बात मैं कर रहा था। ऑर्गेनिक में भी ये मसले रहते थे, ओल्ड रूल कुछ और थे, न्यू रूल कुछ और थे, व्हाटएवर। तो हाइड्रोकार्बन्स पे आज हम नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स बहुत आसान बात है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हर वो कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हो उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, दैट्स अ सिंपल थिंग। तो हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, मीथेन इथेन प्रोपेन बहुत सारे होते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन तीन तरह से, अच्छा हाइड्रोकार्बन्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चैप्टर 5 में आएगी, उसके पूरे टाइप्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में। यहाँ पर मैं बस शॉर्ट में बता रहा हूँ, तीन हाइड्रोकार्बन, एक अल्केन, एक एल्कीन, एक अल्काइन, ठीक है। अल्केन्स क्या होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच आपको पता है ना भाई सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। अल्कीन में कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और अल्काइन में कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो अगर सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड हों तो हम कहते हैं कि अल्केन है, कहीं पर भी डबल बॉन्ड आ जाए तो हम कहते हैं अल्कीन है, और कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम कहते हैं अल्काइन है, सिंपल। तो ये अल्केन अल्कीन अल्काइन का फ़र्क है, सब हाइड्रोकार्बन्स। फिर जनरल फार्मूला आपको याद भी है, जिसको याद नहीं है उसको याद हो जाना चाहिए कि अल्केन्स का होता है CnH2n+2, अल्कीन्स का क्या होता है CnH2n, और अल्काइन्स का होता है CnH2n-2। n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी लगा सकते हैं, 100, 200, 300 जो मर्जी, 234 जो मर्जी, बस लेकिन इसी फॉर्मूले पर बनेगा, ठीक है। अल्केन्स का ये फॉर्मूला होता है, अल्कीन्स का ये, और अल्काइन्स का फॉर्मूला ये हमारे पास होता है। अब नीचे मैंने क्या किया, यहाँ पर आपको टेबल के फॉर्म में सारे अल्केन्स अल्कीन्स और अल्काइन्स के नेम्स मैंने लिख दिए हैं। एन की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक लिखी और नीचे जगह नहीं थी, वरना इरादा तो मेरे नियत ये थी कि मैं 10 तक लिख दूँ, लेकिन जगह नहीं बची तो मैंने 9 पे छोड़ दी। बुक में वैसे 10 तक होगा नीचे। अच्छा, ये अल्केन्स हैं, ये अल्कीन्स हैं, ये अल्काइन्स हैं। अब देखो एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो CH4 आ जाएगा इसमें, फिर C2H6, फिर इस तरह CnH2CH2 बढ़ाते हुए चलेंगे, वही होमोलोगस सीरीज आ जाएगी, 9 तक आ जा रहे हैं। इसी तरह से अल्कीन में क्या करना पड़ेगा, अच्छा अल्कीन में फर्स्ट कार्बन, एक कार्बन वाला अल्कीन पॉसिबल नहीं होता, मैंने यहाँ पर डैश लगाया है, क्योंकि एक कार्बन के साथ कभी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। मतलब कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है ना, तो अगर एक ही कार्बन हो तो डबल बॉन्ड कैसे बनाएगा वो, और ना ही ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। इसलिए एक कार्बन वाला कभी ज़िंदगी में आपने अल्कीन और अल्काइन नहीं देखा होगा, इसलिए मीथीन और मिथाइन पॉसिबल नहीं होता है। हाँ मीथेन होता है, वो एग्जिस्ट करता है, बट मीथीन और मिथाइन कभी ज़िंदगी में आप नहीं सुनोगे, ना कभी सुना होगा किसी बच्चे ने, भले आप जितना पढ़ने वाले हो, मिथीन मिथाइन नहीं सुना होगा। हाँ इथीन इथाइन सुना होगा बहुत, तो इथीन से स्टार्ट हो जाता है ये। तो ये C2H4 मतलब n की वैल्यू पुट करेंगे तो 1, 2, 3, 4 करके डबल करते रहेंगे, बस हाइड्रोजन की वैल्यू आती रहेगी। फिर इसमें क्या करेंगे, 2n-2 डबल करके 2 कम करते रहेंगे, तो हमारे पास ये अलग अलग फॉर्मूले बनने शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं सबके फॉर्मूले यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हैं, ये सारे अल्कीन्स हैं, ये अल्केन्स हैं, ये अल्कीन्स हैं, ये अल्काइन्स हैं। मैं अभी स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो लाजमी इन सब में आपको सिंगल बॉन्ड दिखेगा, या एक ना एक डबल बॉन्ड दिखेगा, और यहाँ एक ना एक ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई देगा, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने की जगह नहीं है तो अभी मैं नहीं बना रहा इसको, ठीक है, कभी आगे टाइम मिले तो बनाता हूँ। बाकी चीज़ ये कि नाम क्या होगा इसका, तो नाम बड़ा सिंपल है, तो मतलब एक कार्बन है ना, तो मतलब प्रीफिक्सेस इसके हमें याद कर लेने होते हैं। एक कार्बन तो मीथ, 2 है तो ईथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट,
आठ को ऑक्ट और नौ को क्या कहते हैं, नॉन। अब अल्केन है तो एन लगा देंगे आखिर में, अल्कीन है तो इन लगा देंगे, अल्काइन है तो आइन लगा देंगे। अब जैसे देखो ये मिथेन, ये इथेन है ना, इथेन इथीन इथाइन, प्रोपेन प्रोपीन प्रोपाइन, ब्यूटेन ब्यूटीन ब्यूटाइन, पेंटेन पेंटीन पेंटाइन, हेक्सेन हेक्सीन हेक्साइन, हेप्टेन हेप्टीन हेप्टाइन, ऑक्टेन ऑक्टीन ऑक्टाइन, नोनैन नोनिन नोनाइन। अगला होता तो डिकेन डिकेन डिकाइन, ये हो जाता मतलब एन इन और आइन, बस मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हैक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, ये सब में चल एन इन आइन का फर्क आ रहा है। वो कैसे पहचान में आ रही, जनरल फॉर्मूले को देखते हुए, बस समझ में आ गई। फिर मैंने पूरा एक चार्ट बना दिया हाइड्रोकार्बन्स का आपके सामने, ठीक है, ये अभी काम आएगा जब हम इसके नोमेनक्लेचर करना स्टार्ट करेंगे। समझ में आ गई बात यहाँ तक, ये आपने 9-10 में भी कहीं पढ़ा होगा, कोई ऐसी बात नहीं है, न्यू चीज़ नहीं है, बट एक चीज़ है कि रिव्यू करा रहा हूँ मैं आपको पुरानी चीज़ें जो आपने स्कूल लाइफ में कभी पढ़ी हैं। अब आ जाते हैं IUPAC रूल्स ऑफ नेमिंग हाइड्रोकार्बन्स, कि IUPAC रूल्स क्या है हाइड्रोकार्बन्स के नेम लिखने के। तो ये काफ़ी सारे रूल मैंने यहाँ पर से नीचे नीचे तक लिखे हैं, मैं रूल्स को यहाँ पर लिख दूंगा और इस पर अभी मैं बात नहीं करूँगा फिलहाल, ठीक है ना, क्योंकि वो फिर जब तक सामने हाँ क्वेश्चन आएंगे तो फिर हम उस पर से बात करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पर आऊँगा, फिर यहाँ पर हम रूल्स मैंने आपके लिए लिखा है कि घर पर अगर आप खुद करना चाहें तो आप रूल्स को पढ़ के ऑटोमेटिकली खुद भी कर सकें, कि 1 से लेकर 11 स्टेप तक मैंने लिखे हैं अलग अलग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हैं यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा। अच्छा, ऊपर मैंने एक और कुछ रूल्स अलग से लिखे हैं जो रूल्स IUPAC में भी चल रहे थे, कि ओनली यूज स्मॉल लेटर्स इन IUPAC नोमेनक्लेचर। जब भी IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो हमेशा स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल लेटर कभी यूज़ नहीं करेंगे, जैसे हमने इनऑर्गेनिक में भी किया था। नो स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स, दो वर्ड्स के बीच में कभी कोई स्पेस नहीं आएगा, और कॉमा बिटवीन टू नंबर, दो नंबर के बीच में कॉमा लगाएंगे और डैश लगाएंगे बिटवीन अ नंबर एंड अल्फ़ाबेट, नंबर और लेटर के बीच में या नंबर अल्फाबेट के बीच में एक हाइफन या डैश लगाएंगे। ये कुछ और रूल्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दिए, बाकी रूल्स तो अल्केन अल्कीन अल्काइंस के लिए फॉलो होंगे, बट ये सिर्फ तीन कंपाउंड्स अल्केन अल्कीन अल्काइन, बाद में जाकर हम कंपाउंड जब चेंज करेंगे तो रूल्स चेंज हो जाएंगे। ये सिर्फ अल्केन अल्कीन अल्काइन के लिए जो आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं, और शायद कल तक नेक्स्ट क्लास में भी ये डिस्कशन चले हमारी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा पेपर में, राइट डाउन IUPAC नेम्स ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर, कि इन दिए गए स्ट्रक्चर्स के जनरेट IUPAC नेम्स लिख दें, क्या क्या इसके हमारे पास IUPAC नेम्स होंगे। तो एक बड़ा, अब देखो क्या तरीका होता है नेम लिखने का, स्टेप बाय स्टेप जब हम देखेंगे ना, सबसे पहले ओपन द कंडेंस चेन, कंडेंस चेन को सबसे पहले ओपन करना होता है। कंडेंस चेन क्या होती है, जिसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट लगा होता है। इस सारे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ क्वेश्चन 10 जो हमारा है ना, वो कंडेंस चेन में है जिसमें ब्रैकेट लगा हुआ है, बाकी सारे ओपन है। तो कंडेंस को ओपन किया जाता है तो क्वेश्चन 10 में हम ये पहला रूल लगाएंगे, बाकी किसी में नहीं लग रहा पहला रूल, क्योंकि सब ओपन है ऑलरेडी चेन। क्वेश्चन 2 कह रहे हैं सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करें विच कंटेन्स ऑल द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें सारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं। उसके बाद कार्बन की एक चेन आपको बनानी पड़ती है, और याद रखिए हमें कार्बन की सबसे लंबी चेन बनानी पड़ेगी, और अगर कंपाउंड के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो लाजमी उस चेन के अंदर आ जाएगी। अच्छा, मैंने यहाँ पर कोई भी सवाल ऐसा नहीं लिखा जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो बस हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिज़ाइन करनी है जिसमें कार्बन चेन सबसे ज़्यादा आ जाए। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इस तरह से सीधी बन जाएगी हमारे पास, ही है ना, कार्बन सारे चेन के अंदर आ गए। अब उसके बाद अब कुछ ब्रांच बाहर नहीं आया ना, तो नंबरिंग की नीड नहीं है उसके अंदर, या लिखा हुआ नंबर द कार्बन चेन फ्रॉम वेयर डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज नियर, जहाँ से डबल ट्रिपल बॉन्ड करीब होगा वहाँ से नंबरिंग करें, तो यहाँ तो है ही नहीं। स्टेप फॉर इफ बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर ऑन सेम पोजिशन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम डबल बॉन्ड, ये भी डबल ट्रिपल है ही नहीं उसके अंदर। इफ देर इज नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड देन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम वेयर आर इज नियर, तो नंबरिंग वहाँ से करें जहाँ से आर, आर से मतलब रेडिकल है, अल्काइल रेडिकल, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जो ब्रांच लगा होता है ना ऊपर, तो इसमें तो ब्रांच भी कोई नहीं है तो यहाँ नंबरिंग की नीड नहीं है, वरना फिर अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता तो जहाँ से ब्रांच करीब होता है वहाँ से नंबरिंग करते हैं। आगे आएगा सवाल ऐसा अगले सवाल में, इफ डिफरेंट आर इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड देन फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये भी रूल नहीं लगने वाला इसके अंदर, रेडिकल है ही नहीं। नेम द रेडिकल फर्स्ट अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड यूज प्रीफिक्सेस इफ मोर देन वन रेडिकल इज प्रेजेंट, तो रेडिकल है ही नहीं तो रेडिकल का नाम कैसे लिखेंगे, नहीं लिख सकते। तो ये बहुत सबसे आसान सवाल है, कभी आएगा नहीं जिंदगी में पेपर में, कुछ भी नहीं है उसमें से नाम लिख देना हमें, बस इसको मैं डायरेक्ट अगर बताऊँ तो एक चार कार्बन वाला अल्केन है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब जैसे देखो यहाँ पर है ना, ये अगर आप इसको गिनोगे ना तो ये देखो टोटल चार कार्बन है और चारों के साथ सिंगल बॉन्ड है, टोटल चार कार्बन है चारों में सिंगल बॉन्ड है। तो ये हमारे पास नॉर्मली इसको चार कार्बन को ब्यूट लिखते हैं और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख देंगे, तो बस ये ख़त्म ना हो गया नाम यहाँ पर इसका, ब्यूटेन है ये। अगर आप इसको गिनोगे तो सिंपल आप देख लो C4H10 ही हो रहा होगा, ये चार कार्बन 10 हाइड्रोजन, तो देखो ये C4H10 ब्यूटेन हमारे पास होता है।
ये तो बस स्टेट चेन है, ये सवाल कभी भी नहीं आएगा ऐसा नहीं, तो बहुत ही बच्चों वाला हलवा तरीन सवाल हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन से मैं आपको बताता हूँ, जहाँ ब्रांच आके दिखेगा आपको, ठीक है, तो थोड़ा समझ में आएगा। अब ये देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, अब सेकंड क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जब हम बनाएंगे ना, अब देखो अब जो चीज़ चेन से बाहर आ गई ना, ये रहा, इसको बोलते हैं ब्रांच, इसको बच्चे ब्रांच भी कहते हैं, शाख बाहर आ रही है ना, रेडिकल भी इसी को कहा जाता है, कैपिटल आर, ब्रांच रेडिकल, अल्काइल रेडिकल, कुछ भी कह दो आप। तो ये रेडिकल बाहर आ गया, अब कह रहे हैं नंबरिंग की जाएगी, अब जब ब्रांच आ जाता है तो नंबरिंग हो जाती है, ब्रांच डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो नंबरिंग हो जाएगी। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लिखा हुआ है ना कि अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड ना हो तो फिर हम नंबरिंग करेंगे वहाँ से जहाँ से अल्काइल रेडिकल करीब होगा। अब नंबरिंग दो किनारों से की जाती है, तो राइट साइड से तो लेफ्ट साइड से। अब यहाँ से करेंगे तो 1, 2, 3 सेकंड कार्बन पर रेडिकल आ रहा है, और इधर से करेंगे तो 1, 2, 3 यहाँ से भी सेकंड कार्बन पर रेडिकल आ रहा है। तो अब दोनों तरफ से अगर करीब हो तो मर्जी है आपकी, दोनों तरफ से रेडिकल करीब है, आप कैसे भी नंबरिंग कर दो, यहीं से कर लेते हैं 1, 2, 3। और जब नेमिंग करेंगे, नेम द रेडिकल फर्स्ट, रेडिकल का नाम, ब्रांच का नाम सबसे पहले देना है, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से। तो ब्रांच का नाम बताने, पोजिशन को शो करके। अब जैसे देखो यहाँ पर 2 पोजीशन पर CH3 लगा, CH3 क्या होता है भाई, मिथाइल होता है। तो यहाँ पर मुझे लिख देना है 2 लिखूँगा, फिर डैश, डैश क्यों, चूँकि डैश लगाना है नंबर और लेटर के बीच में, डैश आ गया 2 डैश, और देखो स्मॉल लेटर सिर्फ यूज़ करें, एम मैंने स्मॉल लिखा जबकि स्टार्टिंग से हो रहा है, लेकिन एम कैपिटल नहीं लिखा, 2 डैश उसके बाद मिथाइल। अब मिथाइल आ गया, उसके बाद क्या करना है, अल्केन्स का नाम जो भी है ना, अल्केन्स का नाम लिख देना है। अब 3 कार्बन वाला अल्केन है, तो 3 का वाला जो हमारे पास अल्केन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोपेन। अच्छा सिर्फ कार्बन के नंबर को गिनना, अब आप हाइड्रोजन भी गिनो तो आप बोलोगे सर 3, 3, 6 और 1, 7, ये तो 7 हाइड्रोजन हो रहे, तो C3H7 हो रहा, ये तो प्रोपाइल हो रहा, आपने प्रोपेन क्यों लिख दिया, प्रोपेन के अंदर तो सर ये C3H8 होता है, 8 कार्बन हाइड्रोजन होता है, वहाँ तो हाइड्रोजन 8 आ ही नहीं रहा, आपने इसको लिखा 2 मिथाइल प्रोपेन। लेकिन याद रखना जब भी हम हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करते हैं तो बस हम कार्बन को चेक कर रहे होते हैं, हाइड्रोजन कितना है कितना नहीं ऐसे को फर्क नहीं पड़ता है, जब हम IUPAC नोमेनक्लेचर कर रहे होते हैं उसको 2 मिथाइल प्रोपाइल नहीं लिखेंगे, प्रोपेन ही लिखेंगे, चूंकि कार्बन है, स्टेट चेन लग रहा है, और सिंपल सी बात है सिंगल बॉन्ड है हर तरफ। इसी तरह से क्वेश्चन 3 में आ जाओ, बस आपको यही करना है, इसी के नंबर है, तो ये पूरा पूरे चैप्टर में यही करना है आपको, लेकिन ये इतना आसान नहीं है पूरा चैप्टर जितना आसान अभी दिख रहा है। अब देखो क्वेश्चन 3 में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने डिज़ाइन कर दिया, अब देखो 2 रेडिकल बाहर आ गए तो 1 से ज़्यादा रेडिकल भी बाहर आ सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात थोड़ी ना। जैसे देखो ये एक रेडिकल हमारे पास बाहर आ गया, एक ये रेडिकल हमारे पास बाहर आ गया। अब नंबरिंग यहाँ से भी कहीं से भी कर दे, राइट लेफ्ट से बराबर है, चूंकि हर तरफ से 2 पर आ रहा है ना भाई, 1, 2, 3 यहाँ से भी 1, 2, 3, तो कहीं से भी कर दे सेम हो रहा है, तो 1, 2, 3 नंबरिंग कर दी हमने चेन के अंदर। अब देखो 2 पर मिथाइल लगे लेकिन 2 बार लिखा है, तो नंबर भी 2 बार लिखेंगे, तो उसको हम लिखेंगे किस तरह से। अच्छा ये जानते हैं जो बच्चे फर्स्ट क्लास में आए थे ना, बिल्कुल, तो हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, तो कुछ स्टूडेंट्स को ऑलरेडी आता है, और सब मुश्किल मुश्किल सवाल भी किए थे हमने स्टार्ट में, बट अभी चूँकि न्यू स्टूडेंट्स आई थिंक 3-4 ही बच्चे थे उस वक्त, तो अभी तो सबको सब खाना है, तो मैं बिल्कुल 0 से स्टार्ट करके दोबारा से बता रहा हूँ, ठीक है। तो 2 पर 2 तरफ मिथाइल लगा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2, 2 और 2 मिथाइल है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, दिस इज डाई मिथाइल, 2, 2 डाई मिथाइल, तो 2 नंबर्स के बीच में कॉमा आएगा, तो 2, 2 डाई मिथाइल एक ही। अच्छा बहुत सारे बच्चे ना 2, 2 लिखते हैं तो मिथाइल डाई नहीं लिखते हैं, बोलते सर तो बता दो दिया 2 बार, तो अब डाई लिखने की ज़रूरत है, वो कॉमन सेंस पे चल रहे होते हैं। इसी तरह कुछ बच्चे 2 डाई मिथाइल लिख देते हैं, वो सर 2 का मतलब दोनों जगह पर है, सिंपल, अब तो वो 2, 2 क्यों लिखें, तो कॉमन सेंस वही कहते हैं ना, एक बार 2 लिख दो, एक बार डाई लिख, मतलब डाई ना लिखो, बट दोनों बार 2 भी 2 बार लिखना पड़ेगा और डाई भी लिखना पड़ेगा, 3 बार होता था 2, 2, 2 ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा होगा इसके अंदर, ठीक है। तो 2, 2 डाई मिथाइल, इसके बाद 3 कार्बन है तो दोबारा से क्या हो गया हमारे पास, दिस विल बी प्रोपेन। ये इसके IUPAC नेम्स चल रहे हैं, दिस आर द IUPAC नेम ऑफ अल्केन्स। अच्छा इसका कॉमन नेम भी चलता है, कॉमन नेम में क्या होता है, वो कुछ कॉमन नेम्स मैं आपको बता दे रहा हूँ उसको, इन्हीं तीनों कंपाउंड्स के। देखो सबसे पहले तो ये आ गया ना स्टेट, इसका नाम बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे IUPAC कॉमन IUPAC में लिखाता है ना, इथेन प्रोपेन ब्यूटेन ऐसे ही लिखाएगा, सिर्फ सफिक्स इसमें ना अलग किस्म का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पर हम यूज़ कर लें, यहाँ पर कह दे रहे हैं एन ब्यूटेन, एन से मुराद यहाँ पर नॉर्मल है, मैंने आपको बताया भी था इससे पहले,
तो देखो जब हम कॉमन नेम्स लिखते हैं ना अल्केन्स की, कॉमन की बात कर रहा हूँ, तो कॉमन नेम ऑफ अल्केन्स IUPAC को छोड़ कर अगर कॉमन पे आएंगे तो क्या होगा, कॉमन नेम के अंदर तीन अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, एक यूज़ करते हैं N, एक यूज़ कर सकते हैं ISO और एक यूज़ करते हैं NEO। क्या फ़र्क है N, ISO, NEO में? N का मतलब होता है ऑल कार्बन इन चेन, सारे कार्बन चेन के अंदर हो तो N लिखते हैं। ISO का क्या मतलब होता है? वन कार्बन आउट ऑफ चेन, अगर एक कार्बन चेन से बाहर हो तो उसको लिखते हैं ISO। और NEO कब लिखते हैं? जब टू कार्बन आउट ऑफ चेन, जब दो कार्बन चेन से बाहर जाता है तो उसको NEO लिखते हैं। ये रूल्स हमारे पास होते हैं कॉमन नेमिंग्स के, किसके भी अल्केन्स के। अब जो सारे कार्बन चेन के अंदर तो हम लिखते हैं N ब्यूटेन, स्मॉल N, N मतलब नॉर्मल हो गया हमारे पास ये, कि नॉर्मल सा ब्यूटेन है जिसमें सारे कार्बन चेन के अंदर है, तो N से मुराद यहाँ पर होता है नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें देखो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से कार्बन बाहर है तो इसको हम लोग क्या, अच्छा इसमें क्या लिखेंगे, इसको हम लोग कहेंगे दिस इज कॉल्ड आइसो ब्यूटेन, टोटल कार्बन बताएंगे। आइसो ब्यूटेन मतलब एक कार्बन चेन से बाहर जा रहा है, ये IUPAC ग्रीन से मैं लिख रहा हूँ ना, सॉरी कॉमन नेम लिख रहा हूँ ग्रीन से। अब इसमें देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से दो बाहर जा रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड NEO, NEO और टोटल कार्बन कितना है, पाँच है ना, दिस इज कॉल्ड NEO पेंटेन। तो ये जो ग्रीन से मैंने लिखा ब्रैकेट के अंदर, ये कॉमन नेम्स है, कॉमन नेम में बस ये वाला रूल याद रखना होता है। अच्छा हर जगह कॉमन नेम पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कॉमन नेम मैंने बताया लिमिटेड है, लेकिन IUPAC से दुनिया के हर कंपाउंड पे लग जाएगा जाके, कॉमन हर जगह नहीं लगेगा। कॉमन के लिए बस बेसिक बेसिक दो तीन कंपाउंड के नाम पता होने चाहिए, बाकी नहीं। IUPAC में आपको 100 कंपाउंड के नाम पता होने चाहिए। अब आ जाओ क्वेश्चन 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना लेंगे, अच्छा ये देखो ऑल कार्बन चेन एंड वन कार्बन आउट ऑफ चेन, इसमें आगे एक और चीज लिखता हूं फ्रॉम सेकंड लास्ट कार्बन, मतलब जो एक कार्बन आउट ऑफ चेन होगा ना वो सेकंड लास्ट कार्बन से होगा, सेकंड लास्ट कार्बन, जैसे हम तो देखो कि ये सेकंड लास्ट कार्बन से एक कार्बन चेन से बाहर है। और यहां पर NEO में टू कार्बन आउट ऑफ चेन होगा कहां से भाई, फ्रॉम, ये भी भाई फ्रॉम सेकंड लास्ट कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन। अब देखो यहां पर भी चेक करो, सेकंड लास्ट कार्बन से दो बाहर आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन 4 में आ जाओ, यहां कॉमन नेम पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि कार्बन दो बाहर तो है लेकिन सेकंड लास्ट से नहीं है, एक सेकंड लास्ट से और एक थर्ड लास्ट से बाहर है, तो इसका नाम कॉमन नेम फेल है, नहीं यूज ही नहीं हो सकता। IUPAC में नाम जरूर लिखाएगा, तो कॉमन नेम हर जगह नहीं लगता, याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए पेपर में आता भी IUPAC नेम लिखने के लिए, कॉमन नेम लिखने के लिए नहीं आते कभी। ओके अब दो ब्रांच बाहर आ गया, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ मर्जी नहीं चलेगी, चूँकि लेफ्ट साइड से सेकंड पर है, यहाँ से 1, 2 थर्ड पर है, तो जहाँ लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे जहाँ से रेडिकल करीब आ रहा है, ठीक है, दैट्स 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं नेमिंग करते हैं। अब नेमिंग किस तरह से की जाएगी, एक 2 पर मिथाइल लगा और एक 3 पर मिथाइल लगा, तो उसको हम लिखेंगे 2, 3, 2 मिथाइल है तो क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, और टोटल कार्बन 5 है, सारे सिंगल बॉन्ड तो क्या कहलाएगा, पेंटेन, 2, 3 डाई मिथाइल पेंटेन, सही है। इस तरह से क्वेश्चन 5 देख लेते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्ट्रेट बन जाएगी सीधी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाने के बाद देखो दो ब्रांच बाहर आ रहा है, यहाँ से CH3 बाहर आ रहा है और यहाँ से C2H5 बाहर आ रहा है। अच्छा नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से ब्रांच करीब होगा, राइट साइड से ब्रांच करीब है, राइट साइड से नंबरिंग कर दी गई, सही है। ओके देखो 1, 2, 3, 4, रट्टा नहीं मारना है, फुल कॉन्सेप्चुअल मैथ की तरह बिल्कुल है, समझ के कर लो उसको। अब देखो 2 पर हमारे पास क्या है, 2 पर हमारे पास यहाँ पर M से मिथाइल है और 3 पर E से इथाइल है, तो यहाँ देखो अब रूल पे आ जाओ, नेम द रेडिकल फर्स्ट अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, रेडिकल का नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से। अब मिथाइल और इथाइल में पहले कौन आएगा, इथाइल आएगा, जैसे IUPAC में हम लिगेंड का नाम लिखते हुए नहीं करते थे, अल्फाबेट को फॉलो करते हुए, तो पहले ई आएगा तो इथाइल, तो ये हमारा क्या हो गया 3 इथाइल, उसके बाद 2 पर मिथाइल है तो 2
मिथाइल और टोटल कार्बन छः है, छः कार्बन वाला एल्केन क्या कहलाता है? हेक्सेन। तो 3-ethyl-2-methyl-hexane, समझ में आ गई बात? तो देखो यहाँ पर ये वाला रूल फॉलो कर लिया हमने। सारे रूल कभी ऐसा नहीं कि हर सारे रूल हर कोई फॉलो हो रहे होंगे, लेकिन कहीं पर कोई जो सूट करेगा सवाल को उसके लिए रूल लगा दें। अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। अब क्वेश्चन 6 हमारे पास क्या है, तो ये कह रहा है कि भाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिज़ाइन कर दो। अब देखो ज़रा, 1-2-1-2 ब्रांच आते हैं, ये ब्रांच आ गए हमारे पास, रेडिकल्स आ गए हमारे पास। अब देखो यहाँ से भी 2 पर है, यहाँ से भी 2 पर, लेकिन मर्जी नहीं है अभी यहाँ पर फिलहाल। क्यों पता है? क्योंकि दूसरा रेडिकल आपको पता है 1-2-3 पर, और यहाँ 1-2-3-4 पर है। अगर एक रेडिकल में टाई हो जाए ना पोजीशन में, तो दूसरा रेडिकल को चेक कर लो। तो इसमें तो टाई हो रहा है ना इस वाले रेडिकल में, तो क्या करो, अगला रेडिकल लेफ्ट साइड से करीब आ रहा है, तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग करना चाहिए आप। सही है? तो ऐसा सिंपल कॉमन सेंस वाली बात है, आपको खुद फील हो जाएगा कि यहीं से करनी चाहिए। तो 1-2-3-4-5-6। अब देखो 3 रेडिकल मिथाइल आ रहे हैं, तो 3 जगह पर लिखना पड़ेगा। पहले क्या, पहला 2 फिर कॉमा, फिर अगला कहाँ आ रहा है 3, फिर कॉमा, फिर अगला कहाँ आ रहा है 5। अब 3 मिथाइल है तो क्या लिखेंगे, दिस विल बी ट्राई मिथाइल, टोटल कार्बन 6, तो अल्केन क्या कहलाएगा, ये हेक्सेन। तो 2-3-5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन है ये, समझ में आ गई बात? अच्छा, अब क्वेश्चन 10 पहले बता रहा हूँ, वो साइक्लो में बाद में बताता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन 10 पहले देख लो, वैसे 10 सवाल ही करने हैं एल्केन्स के अंदर। तो ये अब देखो, ये कंडेंस स्ट्रक्चर है, इसको ओपन अप करना पड़ेगा, नहीं तो उसके नेमिंग आप कभी भी नहीं दे पाएंगे इसका नाम, ठीक है? जब तक इसको ओपन नहीं करेंगे, ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब कंडेंस स्ट्रक्चर का देखो सिंपल लॉजिक ये होता है ना, कि अगर कहीं पर CH2 लिखा हुआ है ना, और उसके साथ n नंबर ऑफ टर्म्स लिखे हैं कुछ भी, तो इसका मतलब कि बेटा ये क्या है पता है, ये इसका मतलब है कार्बन चेन चल रही है, CH2 की लंबी चेन चल रही है। और कहीं पर CH3 लिखा हुआ है ना, उसके आगे कोई नंबर लिखा हुआ है, तो उसका मतलब कि ये शायद यहाँ पर कोई ना कोई हमारे पास ब्रांच मौजूद है, कोई ना कोई ब्रांच की सूरत में मौजूद। तो बस ये याद रखना है कि CH2 के नीचे ब्रैकेट में CH2 होगा तो उसका क्या मतलब है, ब्रैकेट में CH3 होगा तो उसका क्या मतलब है, ठीक है? अब आ जाओ, आते हैं नेमिंग, ये रूल्स याद रखें कंडेंस को ओपन करने के लिए। ये कंडेंस हुआ हुआ है ना, उसको अभी नेम नहीं लिख पाओगे आप इसका, अभी अजीब सा लगेगा ये आपको। अब ओपन करेंगे तो आप फॉरन से नेम बता दोगे सेकंडों में। अब देखो CH3 ट्वाइस है, अभी ये ब्रांच लगा हुआ है ना, अभी ब्रांच को डायरेक्ट हम लिख नहीं लिख सकते हैं डायरेक्टली, ब्रांच को डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि आप CH3 ऐसे लिख दोगे ना, अब सारे बॉन्ड यहाँ पर ख़त्म होंगे कार्बन के चार, अभी इसके बाद कुछ नहीं लगा सकते आप इसके अंदर। तो कभी भी ब्रांच को डायरेक्ट नहीं लिखना है, CH3 दो बार है मतलब ब्रांच है, तो किसी दूसरे कार्बन में लगा हुआ तो उसको छोड़कर आगे आ जाओ। CH लगाया, अब इस कार्बन के दो बॉन्ड जो बचे थे ना, यहाँ पर आप लगा दो क्या CH3, ये वाला CH3, अब ये क्लियर हो गया। वरना पहले ही लगा दोगे तो फिर फंस जाओगे, ब्रांच है ना, ब्रांच कार्बन पे लगेगा, तो अगला कार्बन चेक किया करो। अब देखो CH2 तीन बार CH2 की, तो CH2, उसके बाद फिर CH आया और CH3 दो बार फिर आ गया, मतलब एक CH3 यहाँ आ गया और एक CH3 यहाँ आ गया। सही है, ब्रांच की सूरत में लग गया, तो ये ओपन हो गया। अब इसकी नेमिंग आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, रूल्स ये याद रखने हैं ना, ये जो मैंने बताया इसको याद रखना है, ये तो मसला होगा। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिज़ाइन कर दिया, नंबरिंग कहीं से भी करो, दोनों से सेकंड पर रेडिकल अटैच है, तो यहीं से कर लेते हैं 1-2-3-4-5-6-7। तो 2 पर एक ब्रांच लगा और एक हमारे पास 6 पर ब्रांच लगा, तो 2-6 डाई मिथाइल, टोटल कार्बन 7 है, तो 7 कार्बन वाला क्या कहलाता है, हेप्टेन। समझ में आ गया? तो यहाँ पर ये चीज़ है ना कि ओपन द कंडेंस चेन, कंडेंस चेन को ओपन करना ज़रूरी है, वरना आप नेमिंग नहीं कर पाएंगे। बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही थे। अच्छा, एक रूल बिल्कुल एंड में लिखा हुआ, रूल 11, इफ़ कंपाउंड कंटेन्स अ रिंग देन राइट साइक्लो एट द स्टार्ट। अगर कंपाउंड में कोई रिंग मौजूद है तो उसमें शुरू में साइक्लो लिखते हैं, साइक्लिक, अगर साइकिल मौजूद है कोई। ये सब देखो क्वेश्चन 7, 8, 9 में ना साइकिल है, रिंग दिख रही है आपको 7, 8, 9 क्वेश्चन में। अब देखो टोटल कार्बन 4 है, चारों सिंगल बाउंडेड है। अगर ये सीधा होता तो हम लोग उसके आप क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं, क्या ये हो जाता ही है? लेकिन चूंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर में आ गया तो अब ये ब्यूटेन नहीं है, इसको हम लोग पता है क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लिक कंपाउंड बना हुआ है। अब देखो टोटल कार्बन इसमें 6 आ रहे हैं क्वेश्चन 8 में, अगर ये सीधा होता तो क्या बोलते हैं उसको, हेक्सेन, लेकिन अगर साइकिल में आ गया तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन। अब ये 5 कार्बन है, सीधा होता तो उसको क्या बोलते हैं, पेंटेन, साइकिल में आ गया तो क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लो का जो प्रीफिक्स है ना
वो स्टार्ट करना पड़ता है अगर साइक्लिक कंपाउंड हो तो, ऐसा भी आ सकता है, बुक में है ये। अच्छा, इस तरह से भी आ सकता है, पता है एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब भी साइक्लिक कंपाउंड आप गूगल में लिखोगे, इंटरनेट पर सर्च करोगे ना, उसमें सारा कार्बन हाइड्रोजन उड़ा दिया होता है उन्होंने, सिर्फ ना मतलब एक ज्योमेट्रिकल फिगर्स बने होते हैं जिसका मतलब सेम यही होता है। अगर पेपर में ऐसा भी आ जाए ना, इस तरह से स्क्वायर बना हुआ आ जाए, तो उसका मतलब दिस इज साइक्लोब्यूटेन, के हर किनारे पर एक एक कार्बन लगा हुआ है। दिस ऐसा भी आपने कभी देखा होगा साइक्लोब्यूटेन, इस तरह साइक्लोहेक्सेन अगर बनना हो तो बस इस तरह से बना दिया जाएगा, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, तो सारे कार्बन छुपा लिए, हर कोने में कार्बन है। इसी तरह से साइक्लोपेंटेन अगर कहा जाए ना, तो इस तरह से साइक्लोपेंटेन बना हुआ हो सकता है। आगे जाके चैप्टर्स में हम ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है, बस समझ में आ गए, कोई मसला हो? ठीक है, तो अब हम आते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्किन्स, देख लें अल्किन्स को नोमेनक्लेचर किस तरह करते हैं, ये साइड बस थोड़ा सा करेंगे, 7 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। तो अल्किन्स हम किसे कहते हैं, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर कहीं पर एक जगह पर आ जाए, दिस इज कॉल्ड अल्किन, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड आता है तो उसको हम अल्किन कहते हैं। पहले मैं इसके आईयूपीएसी नेम्स आपको बता देता हूँ, फिर एट द एंड में आपको कॉमन नेम बताऊँगा, चूँकि उसके रूल्स नहीं होते इतने ज़्यादा। तो आईयूपीएसी के लिहाज से किस तरह से रूल्स लिखेंगे देख लेते हैं। फर्स्ट CH2 बॉन्ड CH2, ठीक है, ये तो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं, उसके अंदर कोई ब्रांच वगैरह कुछ भी नहीं है, दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, ये हमारा C2H4 है ना भाई, C2H4 है, दो कार्बन वाला अल्कीन है, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड इथीन, या जस्ट इथीन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकेंड कार्बन पर, अब सेकेंड कार्बन पर जब हम देखेंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्ट्रेट चल रही है हमारे पास है, ठीक है। और नंबरिंग अब यहाँ से जब हम करेंगे ना, उसमें नंबरिंग कहाँ से होगी, जहाँ से डबल बॉन्ड करीब होगा, और डबल बॉन्ड राइट साइड से करीब है, तो नंबरिंग हमने यहाँ से कर दी 1, 2, 3, ठीक है। और फर्स्ट, और जहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ उसकी पोजीशन बता दें, 1 पर लगा हुआ है। उसके बाद टोटल कार्बन 3 है, 3 का अल्किन हमारे पास क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड प्रोपीन, दिस इज 1 प्रोपीन। अच्छा, 1 बनाना जरूरी नहीं है इसमें भी, चूँकि 1 प्रोपीन ही पॉसिबल है, 2 प्रोपीन हो भी नहीं सकता। अगर डबल बॉन्ड को उठा के यहाँ पे लगा दोगे तो यहाँ नंबरिंग 1 हो जाएगी, तो 1 प्रोपीन इधर से भी हो जाएगा। तो प्रोपीन भी सिर्फ लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, नंबर नहीं कटेंगे, 1 प्रोपीन भी लिख सकते हैं। जैसे इथीन में भी 1 इथीन भी लिख सकते थे, बट नहीं लिखा, चूँकि 1 इथीन ही पॉसिबल है, 2 इथीन तो हो ही नहीं सकता, 2 ही तो कार्बन है उसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आ जाओ, तो क्वेश्चन 3 में जब हम इसको देखेंगे ना, तो यहाँ पर क्या है कि चेन जो है ना, वो C2H5CH डबल बॉन्ड CH फिर C2H5 लिखी हुई है ना। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम इसमें स्ट्रेट बना लेते हैं अगर, है ना, तो या तो इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डायरेक्ट बना लिया जाए इसके अंदर, या फिर हम क्या करें, इसको यहाँ पर हम ओपन अप कर दें, ठीक है। जैसे क्वेश्चन 3 है ना, इसको C2H5 है ना, हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, CH3 बॉन्ड CH2, एक ही बात है, ठीक है। इसके बाद CH डबल बॉन्ड CH फिर C2H5 को क्या तोड़ दो, किसमें, CH2CH3 में, तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, हम उसको ब्रेक कर देते हैं। अब ब्रेक करें तो नंबरिंग हम कर लेते हैं, अब राइट लेफ्ट कहीं से भी, तो हम नंबरिंग हमने यहाँ से कर ली, तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 हो गया। अब यहाँ डबल बॉन्ड हमारा थर्ड पोजीशन पर लगा है, तो उसका नाम हो जाएगा, पहले लिख देंगे 3-, डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है, उसके बाद टोटल कार्बन कितने 6 हैं, 6 कार्बन वाला अल्किन क्या कहलाएगा, हेक्सेन नहीं कहलाएगा, हेक्सीन, ईन लिखना पड़ेगा, यही तो फ़र्क है अल्किन और अल्किन में, कि इसमें ईन आता है, तो उसमें मैं एन आ रहा था, आप देख सकते हैं उसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 3 उसके बाद चेक करें, क्वेश्चन 4 चेक करें। क्वेश्चन 4 में हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिज़ाइन कर देंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास स्ट्रेट बन जाएगी, स्ट्रेट हो गए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब एक ब्रांच हमारे पास बाहर आ गया यहाँ से, अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड करीब है, लेफ्ट साइड से डबल बॉन्ड करीब है, तो नंबरिंग कर देगी 1, 2, 3, 4। अब नेमिंग पहले रेडिकल की करते हैं, रेडिकल का नाम पहले दिया जाता है हमेशा, तो रेडिकल 4th पोजीशन पर अटैच है, और कौन सा रेडिकल है, मिथाइल है, उसको हम क्या लिख देंगे, 3-3- मिथाइल, ओके। उसके बाद फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो 1 लिखा, और टोटल कार्बन 4 है, 4 कार्बन वाला अल्किन क्या कहलाएगा हमारे पास, तो ये हो गया 3-methyl-1-butene। पहले रेडिकल का नाम, फिर अल्किन का नाम आ गया। अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो 3-methyl-butane कह देते हैं बस, सिंगल बॉन्ड की पोजीशन बतानी नहीं होती है, चूँकि हर जगह तो सिंगल बॉन्ड ही होता है, डबल बॉन्ड की पोजीशन और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ती, वो मैंने यहाँ रूल के अंदर लिखा हुआ। क्वेश्चन 5 में जब आप जाएंगे, क्वेश्चन 5 में भी क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिज़ाइन कर दें,
ये कार्बन की चेन बन गई लंबी, सबसे लंबी। उसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास बॉन्ड्स आ, वो सॉरी ब्रांचेज आ गए, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करें, देखो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड 1 2 3 1 2 3, रेडिकल के लास्ट से 1 2 1 2, सेम बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। कहीं से भी बॉन्ड बनाओ तो वो नंबरिंग करो आपकी मर्जी। तो 1 2 3 4 5 6, ब्रांच का नाम सबसे पहले, तो ब्रांच कहाँ पर है, 2 पर और 5 पर लगा है, क्या लिखेंगे, 2, 5, 2 मिथाइल है तो क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, फिर डैश। अब नंबर देना है डबल बॉन्ड का, नंबर डबल बॉन्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 डैश। इसके बाद टोटल कार्बन 6, 6 कमी वाला एल्कीन क्या कहलाएगा, समझ गए, रट्टा नहीं मारने घर जाके उसको, सर आप याद करके आए घर से तो आप लिख रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फर्स्ट टाइम इन क्वेश्चंस को बना रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम थोड़ा ना घर पे, पहले मैं इसको सॉल्व करूँ, चूँकि ईजिली बन सकता है ना, लॉजिक्स चल रही है, रूल्स हैं, मैं फॉलो कर रहा हूँ, मेरे तो जहन में नक्श है ना ये लॉजिक्स। आप जिस दिन इसको याद कर लोगे आप खुद बनाओगे इन रूल्स को, आप उर्दू में याद कर लो उसको, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। तो यही सारे रूल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो इधर पर मैं फॉलो कर रहा हूँ, सही है, ओके। इसके बाद यहाँ फिर से क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाएं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाने के बाद ब्रांच बाहर निकालें, ये 2 ब्रांच बाहर आ गया, अभी भी कहीं से भी नंबरिंग कर दो बराबर है, सिमेट्रिकल है, डबल बॉन्ड के लिहाज से भी सेम पोजीशन है, और राइट लेफ्ट से मिथाइल ग्रुप के लिहाज से भी सेम पोजीशन है। तो नंबरिंग आपकी मर्जी, आप जहाँ से कर दो, तो 1 2 3 4 5, मैंने नंबरिंग ऐसी कर दी, सही है, क्लियर है यहाँ तक, ओके। 2 और 4 पर मिथाइल लगा तो क्या लिखेंगे बेटा, 2, 4 डाई मिथाइल, डबल बॉन्ड की, अच्छा डबल बॉन्ड इस बार 2 है, पहली बार 2 डबल बॉन्ड एक ही कंपाउंड में आ गया, ऐसा ही है, पहली बार 2 डबल बॉन्ड एक ही कंपाउंड के अंदर आ रहा है, 2 पे भी आ रहा है और 4 पे भी, सॉरी 1 पे भी आ रहा है और 4, जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से लिखते हैं ना, 1 पे भी आ रहा है और 4 पे भी आ रहा है, तो 1, 4। अब इसको गलती, सबसे बड़ी गलती जो बच्चे कराची के इसमें करते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो लिख देते हैं पेंटीन होता है 5 कार्बन, पेंटीन हो गया ना 5 कार्बन है, तो वो क्या लिख देते हैं, वो लिख देते हैं डाई पेंटीन, पहले गलत लिख रहा हूँ मैं, ये जो कराची के अक्सर बच्चे गलती करके आते हैं तो वो लिख देते हैं डाई पेंटीन, सही है, लॉजिक तो यही कहती है 2 पेंटीन है तो डाई पेंटीन, 2 डबल बॉन्ड लगा, बट लॉजिक पे नहीं चलना, रूल्स पे चलना है, जो 2013 में अपडेट हो चुका है। क्या करना है, देखो डाई लगाना है, बट डाई पेंटीन से पहले नहीं लगाना, उसकी कोई और पोजीशन है, पेंट और इन लिखा हमने, इसके बीच में हमें डाई लगाना है, तो हो जाएगा पेंट डाई इन, समझ गए, पेंटीन नहीं करेंगे, पेंट डाई इन, पेंट और इन के बीच में डाई लगा देना, समझ गए। अब आ जाओ 7th स्ट्रक्चर, देखो बेटा कंडेंस है, ओपन करना पड़ेगा, इसके बिना नाम नहीं बता सकेंगे, वहाँ पे भी लास्ट क्वेश्चन कंडेंस है, यहाँ पे भी लास्ट क्वेश्चन कंडेंस है, तो एक एक कंडेंस भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब बुक के क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा मैंने अभी कोई नहीं करा रहा, मैं आपको बुक वाले सिर्फ अभी हम कर रहे हैं, चूँकि हमारी न्यू बुक आई है तो मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चन बुक से ही आ जाएंगे, ओके, ठीक है। तो CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, अब देखो CH3 आ गया, ब्रांच चाहिए, बताया था मैंने आपको, ब्रांच आ गया CH3, फिर CH डबल बॉन्ड सी, फिर CH3 आ गया, ब्रांच है ये, फिर ये CH3 आ गया, अब नेम लिख सकते हैं हम, अब आसान हो गया, ठीक है, समझ में आ रही है सबको बात कैसे है। देखो मैं खुद समझ के नहीं समझना चाह रहा हूँ, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मुझे तो समझा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हो रहा है, ठीक है ना, इसको समझो। तो यहाँ पर सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ जाएगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाद क्या है कि ब्रांचेज यहाँ पर अटैच कर देंगे। नहीं समझ में आ रहे तो पूछो, हज़ार बार आप पूछ सकते हो, कि ऐसे मसले की बात नहीं है कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, रूल्स आपने क्या बताया, ठीक है। हमारा कोर्स वैसे भी कराची के अंदर सबसे आगे चल रहा है, ऑल ओवर कराची की बात कर रहा हूँ, कितने आगे, चैप्टर 4 तक कोई नहीं स्टार्ट कर चुका, तो अभी तो बुक आई है, बहुत फास्ट हम जा रहे हैं, हम रुक जाएँ तो हमें मसला नहीं है, 3-4 हफ्ते भी छोड़ सकते हैं क्लास, हमको ऐसा मसला नहीं है, इतना ज़्यादा आगे अलग करा है कि हम चल रहे हैं, ठीक है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा मसला नहीं कि यार कोर्स फंस जाएगा, सर से पूछेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं जानबूझकर कोर्स को खींच कर रखता हूँ कि अगर कहीं पर कोर्स स्लो हो रहा हो तो हो जाए, फ़र्क नहीं पड़े हमें, ठीक है। तो और समझना ज़रूरी है, रिकॉर्ड नहीं कायम करना चाहता मैं कोर्स जल्दी ख़त्म करके, समझा हुआ ना हो तो बेकार है कोर्स कंप्लीट करके, समझा हुआ होना चाहिए, हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए ये चीज़ कैसे हो रही है, ओके।
उसके रीज़न ये, इसलिए मैं ऑफ भी कम से कम ही करता हूँ, कल भी हमने क्लास करी, तो इसलिए रीज़न ये होता है कि मैं ऑफ खुद नहीं करता कि मेरी वजह से कोर्स ना फंसे। हाँ, आप अगर कुछ पूछोगे सवाल तो मुझे कोर्स रुकना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए फिर मैं आगे नहीं बढ़ सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो, अब आ जाओ, सबसे पहले नंबरिंग चेक करते हैं, डबल बॉन्ड को देखते हैं। तो मैंने क्या यहाँ पर लिखा था कि नंबर द कार्बन चेन फ्रॉम वेयर डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज नियर, इफ देयर इज नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड देन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम वेयर रेडिकल इज नियर। तो पहले तो हम देखते हैं डबल ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से करीब है। अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है या उसमें टाई हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर ब्रांच को देखेंगे। तो अभी तो आप ब्रांच ही नहीं देखें, पहले डबल बॉन्ड देखें, ठीक है। तो डबल बॉन्ड यहाँ से फर्स्ट कार्बन पर है और यहाँ से किससे हैं, सेकंड कार्बन पर है, तो 100% यहाँ पर लेफ्ट साइड से नंबरिंग होने वाली है, ऐसा ही है। यहाँ मर्जी नहीं चलेगी, अब लेफ्ट साइड से ही होनी थी। तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। नेमिंग क्या हो जाएगी उसके, हमारे पास सबसे पहले ब्रांच के नाम आ जाएंगे। 2 और 4 पर है तो 2, 4, 2 मिथाइल तो क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल। डबल बॉन्ड देख लें उसके बाद कहाँ का है, 2 डबल बॉन्ड, 1 पर है और 1, 3 पर है, 1, 3। अब फिर वही बात है, डाई पेंटिन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पेंट डाई इन, समझ में आ गई बात। तो ये हमारे पास लॉजिक्स हो गया, अभी रुक जाए, कंप्लीट नहीं करना। कॉमन नेम्स वो हमारे पास रह गए, कॉमन से रह गए, तो अभी बस वो बता दूंगा, बाकी हम अल्काइन का पोर्शन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कुछ जल्दी नहीं है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड वाला मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, अभी ये कि उसके देख लें, बस कॉमन नेम्स देख लें, भले वो पेपर में क्या बताएं, एमसीक्यूज में पूछ लें आपसे, आईयूपीएससी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो लास्ट में पता होना चाहिए, सब आईयूपीएससी चल रहे हैं। अब देखो किस तरह से लिखेंगे हम इसको, कॉमन नेम में नाम किस तरह लिखेंगे, जैसा इथीन है ना, इन की जगह ना हम इसको देखो इस तरह से नाम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इथाइलीन, इस तरह से लिख देंगे, मतलब इथाइल होता है ना ग्रुप, उसके बाद इन लगा देंगे, 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन वाला अल्काइल रेडिकल क्या होता है, इथाइल होता है, उसके बाद इन लगा देंगे, तो इथाइलीन हो गया ये। इस तरह से लॉजिक इसका बनता है, कॉमन नेम की बात करूँ, पुराने ज़माने में इसको ऐसे नाम दिया जाता है। अब ये वैसा तो प्रोपीन है, लेकिन ऐसे हम क्या करेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल लिखेंगे, उसके बाद इन लगा देंगे, तो ये हमारा हो गया प्रोपाइलीन, ठीक है, इस तरह से नाम चलेगा। अब बाकी नाम जहाँ यहाँ पर जैसे ये हो गया ना, अच्छा इसका एक और तरह से नाम देख सकते हैं, प्रोपाइलीन भी कह सकते हैं, कॉमन में इसका एक और लॉजिक है नेमिंग करने का, कि हम इसको इथाइलीन ही कह देंगे, पूरा जो है ना सी एच और 2 कार्बन डबल बॉन्ड में जो लगा हुआ है, इसको इथाइलीन कह दें और ये इस वाले ब्रांच का नाम दे दें। तो कभी इसका एक और तरीका अल्टरनेट में लिखने का नाम, कि इसको लिखते थे मिथाइल, उसके बाद लिखते थे इथाइलीन, तो मिथाइल इथाइलीन भी इसको लिखते थे कि ये मिथाइल हो गया और ये इथाइलीन हो गया, या सिर्फ पूरा प्रोपाइलीन भी, ये अल्टरनेट वे 2 तरीके से कॉमन नेम लिखने का। बिल्कुल इसी तरह से नीचे आ जाओ, अब ये टोटल कार्बन इसमें 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है ना, तो ये हमारे पास या तो इसको हम नाम दे सकते हैं क्या भाई, हेक्साइलीन, 6 कार्बन है ना भाई, 2, 3, 4 और 2, 6 हेक्साइलीन, या फिर हम इसको एक और नाम कॉमन नेम से दे सकते हैं, ये हमारे पास डबल बॉन्ड लगा है, ये तो इथाइलीन है, अब यहाँ पर एक इथाइल ये रहा, दूसरा इथाइल ये रहा, तो इसको हम एक और नाम क्या दे सकते थे पता है, डाई इथाइल इथाइलीन। तो आप देख सकते हो कि इससे बेहतर ना पता है आईयूपीएससी होता है, यहाँ देखो कॉमन नेम के अंदर भी कोई फिक्स नहीं, देखे आईयूपीएससी नेम हम लिखते हैं ना, तो एक कंपाउंड का आईयूपीएससी नेम सिर्फ एक ही तरह से होता है और दूसरे तरीके से नहीं होता है, लेकिन आप देखो कॉमन नेम एक ही कंपाउंड का कॉमन नेम 2 तरह से हो रहा है, अब ये प्रोपाइलीन भी है, ये मिथाइल इथाइलीन भी है, ये हेक्साइलीन भी है और ये डाई इथाइल इथाइलीन भी है, यही तो मसला था ना, कोई बंदा किसी नाम से लिखता था, कोई बंदा किसी नाम से लिखता था, इस वजह से कॉमन नेम्स को जो रेड से मैंने लिखा है उसको रिजेक्ट करके जो ब्लू वाले जो नेम्स हैं आईयूपीएससी नेम, इस पर दुनिया ने फोकस किया और आज पूरी दुनिया में इसी नाम को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारे बुक में चूंकि कॉमन नेम्स भी मेंशन है तो ये हमें पता होना चाहिए, कुछ भरोसा नहीं है, पूछ सकते हैं, क्लियर है बात यहाँ तक।